हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके पेश हुआ हूँ आज अपने इस वीडियो में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आधार कार्ड से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ, क्या है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चलिए बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार ने या कहें मोदी सरकार ने इस बार लॉन्च किया है डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम्स। क्या है ये डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम्स, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड का बहुत ही जगह गलत इस्तेमाल हो रहा था हमारे देश में, और आधार कार्ड बनाना भी हो गया था बहुत आसान, क्योंकि अब आधार कार्ड के लिए बहुत से लोग कुछ पैसों के लालच में बिना आईडी प्रूफ के ही आधार कार्ड उसका जनरेट कर दे रहे थे। सरकार तक जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो सरकार ने अब ये जो स्कीम एक शुरू करी है, यानी डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, जो 1 जून 2018 से लागू होगी दोस्तों। लेकिन ये बहुत सुरक्षित टेक्नोलॉजी है, और इसके थ्रू होगा क्या कि अब आपको कहीं भी अपनी मोबाइल के लिए वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड ना दिखा के सिर्फ फिंगरप्रिंट करके आपकी एक कंप्यूटर से ही 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी क्रिएट होगी, और यही वर्चुअल आईडी जो आधार कार्ड के एजेंट होंगे उन तक पहुंचेगी, और वो उसी के आधार पे आपकी केवाईसी भरेंगे। यानी कि अब जितने भी आधार कार्ड के एजेंट हैं उन तक भी आपके आधार कार्ड की डिटेल नहीं पहुंच पाएगी। अब उन्हें केवल एक वर्चुअल आईडी से ही सारी इन्फॉर्मेशन अपनी केवाईसी की फिलअप करनी पड़ेगी। यानी कि जितने भी आधार कार्ड के एजेंट हैं अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने केवाईसी फॉर्म, यानी कि मोबाइल से रिलेटेड जो भी वेरिफिकेशन हैं या किसी भी चीज़ के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ कंप्यूटर द्वारा जो जनरेट होगी 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी, उसी के आधार पे ही उन्हें उसका केवाईसी फॉर्म भरना होगा। यानी कि आपके आधार कार्ड की जो अंदर की गुप्त इन्फॉर्मेशन है अब हम कहें सीधा सीधा कि आधार कार्ड के एजेंटों को भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब आप सिर्फ अपने अपने थंब के यानी कि अपने फिंगर के से प्रेस करते ही मशीन में, और 16 अंकों का जो एक वर्चुअल आईडी जनरेट होगा, और उसी के आधार पे उन आधार कार्ड के एजेंटों को वो वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। दोस्तों, आपकी जो सूचनाएं अहम इंपॉर्टेंट्स आधार कार्ड में दी होती हैं वो भी अब सेफ रह सकेंगी, और इसी के लिए सरकार ने ये डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम्स जो शुरू करने जा रही है 1 जनवरी 2018 से। आपके लिए बहुत ही सुरक्षित रहेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रहेगी, और फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। UIDAI यानी कि जो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसी के द्वारा ये 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी क्रिएट होगा, और ये उस टाइम क्रिएट होगा जब आप मशीन पर अपना जो है फिंगर प्रेस करेंगे, उसी टाइम 16 अंकों का कंप्यूटर में ही कुछ टाइम के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए ही वो जनरेट होगा वर्चुअल आईडी जो 16 डिजिट का होगा, और जो कि आपके आधार कार्ड की आवश्यकता को भी ख़त्म कर देगा। यानी कि वहाँ पे आपको आधार कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके फिंगर प्रेस से ही वो वर्चुअल आईडी जो 16 डिजिट की होगी वो काम करेगी, और उसी के द्वारा जितने भी आधार कार्ड के एजेंट हैं वो आपकी वेरिफिकेशन के केवाईसी फॉर्म भरेंगे। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आज इस वीडियो में शेयर करी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में, कोई भी अगर आपकी कोई समस्या है इससे रिलेटेड तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पे जरूर फॉरवर्ड करते रहिए, और जो लाल बटन है जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप जरूर दबाइए, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन उसको आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।